मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीआई की कार्यशैली। सीबीआई ने पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 अंत तक जितने मुकदमे दर्ज करे उसमें से 95% मुकदमे विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पर दर्ज करे। 95% ऑफ द करप्शन केसेस, अलेज्ड करप्शन केसेस रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सिंस 2014 टू 2022 हैव बीन केसेस अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज, मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन। मैं आपको बताना चाहूंगा पार्टी वाइज ब्रेकअप कि कितने मुकदमे सीबीआई ने कौन सी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करे हुए। तृणमूल कांग्रेस के 30 नेताओं के ऊपर, 30 लीडर्स के ऊपर सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हुए। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 26 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हुए। आरजेडी, बिहार की पार्टी है, आरजेडी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए हुए। बीजू जनता दल, उड़ीसा की पार्टी, नवीन पटनायक साहब की पार्टी, बीजू जनता दल के 10 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हुए। वाईएसआरसीपी, आंध्र प्रदेश की पार्टी, इनके खिलाफ 6 मुकदमे सीबीआई के दर्ज किए हुए। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके 5 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हुए। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, उनके खिलाफ 5 मुकदमे सीबीआई ने दर्ज करे। आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी, इसके खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे। समाजवादी पार्टी, 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। एआईएडीएमके, 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। सीपीएम, वामपंथी सीपीएम के खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हुए। एनसीपी, 3 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे दर्ज करे हुए। एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। डीएमके, 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। पीडीपी, 1 नेता के खिलाफ सीबीआई का मुकदमा। टीआरएस, 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। ये सीबीआई की कार्यशैली। इन एजेंसियों का ऐसा राजनैतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो और भारत के लोकतंत्र को एक तंत्र में बदल दो, तब्दील कर दो। कन्वर्ट डेमोक्रेसी इनटू ऑटोक्रेसी एंड मेक इंडिया एन ऑपोजिशन लेस कंट्री। एक ही लक्ष्य है कि भारत देश में एक ही पार्टी हो और एक ही नेता, और कोई गैर भाजपा पार्टी या गैर भाजपा नेता इस देश में सर उठाने की भी हिम्मत ना करे। एक एक नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, जेल में डालो। पार्टियों की दुकानों पर, पार्टियों की राजनीतिक जो जो कार्यशैली है, जो उनकी इलेक्शन लड़ने की क्षमताएं हैं, जैसे पार्टी चलती है, उस सब को खत्म करो, बर्बाद करो और एक ही पार्टी इस देश में बचे, भारतीय जनता पार्टी। ये लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने की, तब्दील करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश चल रही है।